नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo IQ Z3 versus Samsung Galaxy A32 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो IQ Z3 में 6.45 इंच जबकि Galaxy A32 4G में 6.26 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि IQ Z3 से कम है। विड्थ की बात करें तो IQ Z3 में 2.96 इंच जबकि Galaxy A32 4G में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि IQ Z3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो IQ Z3 में 0.33 इंच जबकि Galaxy A32 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो IQ Z3 में 185.5 ग्राम जबकि Galaxy A32 4G में 184 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो IQ Z3 में IPS LCD जबकि Galaxy A32 4G में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो IQ Z3 में 6.58 इंचेस जबकि Galaxy A32 4G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन IQ Z3 में 1080x2408 और Galaxy A32 4G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो IQ Z3 में 84.7% जबकि Galaxy A32 4G में 84.56% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो IQ Z3 में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy A32 4G में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो IQ Z3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और गैलेक्सी A32 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो IQ Z3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Galaxy A32 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो IQ Z3 में Adreno 620 जबकि Galaxy A32 4G में Mali-G 52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो IQ Z3 में Qualcomm Snapdragon 768G और Galaxy A32 4G में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो IQ Z3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की रैम मिलती है, जबकि Galaxy A32 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो IQ Z3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Galaxy A32 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी IQ Z3 में 4400 mAh जबकि Galaxy A32 4G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
IQOO Z3 में 2 कलर्स जबकि Galaxy A32 4G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो IQOO Z3 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिलता है। और बात करें Galaxy A32 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 21,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo IQOO Z3 में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A32 4G की तो उसमें 5 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A32 4G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में IQOO Z3 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटोरोला H20 है जो कि 29,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme GT Neo 2 5G है जो कि 31,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Realme X7 Max है जो कि 27,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo IQOO Z3 है जो कि 19,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।